आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। आज उसी एक्शन में दो बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में कई बैंक लूट और आतंकी हमले में शामिल दो आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आतंकी की कहानी को तो आईजी पुलिस ने आई ओपनर तक करार दिया है। आतंक के खिलाफ दूसरी बड़ी कामयाबी मिली जम्मू कश्मीर के ही नौगाम में, जहां सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ श्रीनगर में एक हिंदू आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है जो लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता था, संदीप कुमार शर्मा इसका नाम है, और वहीं नौगाम में तीन आतंकियों को ढेर किया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये दो बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने नकाबपोश को देश के सामने पेश तो किया, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई। नकाब में छिपे शख्स के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुनीर अहमद खान ने जो कहानी सुनाई वो चौंकाने वाली है। काउंटर हुआ था प्रीति बटपुरा में अनंतनाग में, जिसमें बशीर लश्करी अपने एसोसिएट्स के साथ मारा गया था। काउंटर जहां जिस घर में हुआ वहीं उसी घर से एक संदीप कुमार शर्मा सनफ राम कुमार शर्मा रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर यूपी उसको गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि जिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम संदीप शर्मा है, मतलब हिंदू है। संदीप शर्मा नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आरोपी बनाया गया है। वहाँ पर से जो प्राप्त सूचना हुई है उसके आधार पर यहाँ पर छानबीन हुई। संदीप शर्मा ये रमेश कुमार का लड़का है, मुस्तफाबाद नई मंडी अचीला रोड का रहने वाला है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदीप शर्मा 2012 से कश्मीर घाटी में काम करता था। कश्मीर में काम करने और हिंदू पहचान छुपाने के लिए ही उसने अपना एक और नाम रखा था, आदिल। इसी नाम के कारण अब तक किसी ने उस पर शक नहीं किया। एटीएम लूट, हथियार लूट समेत आतंक की तीन बड़ी आतंकवादी घटनाओं में संदीप शर्मा का हाथ मान रही है पुलिस। ये एक बड़ा अलार्मिंग सिनेरियो है, क्योंकि ये लश्कर खास तौर पे ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और ये क्रिमिनल्स का सहारा ले रही है, जिसमें बैंक लूटिंग किस्म की वारदातें भी ये करवा रहे हैं। पिछले महीने जून में जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर फिरोज डार की शहादत आपको याद होगी। अनंतनाग के अजबल में 32 साल के फिरोज डार की घात लाकर आतंकवादियों ने हत्या की थी। उस समय खबर आई थी कि कमांडर जुनैद मट्टू के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए लश्कर के आतंकवादियों ने फिरोज डार समेत 6 पुलिस वालों की हत्या की है, लेकिन फिरोज की हत्या में संदीप शर्मा नाम के आतंकवादी के शामिल होने का खुलासा आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। लश्कर के जिस दस्ते ने अजबल में फिरोज डार समेत पुलिस वालों की हत्या की उसमें बशीर लश्करी नाम का आतंकवाद भी शामिल था। अनंतनाग में 1 जुलाई को बशीर लश्करी का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने साथी पुलिस वालों की हत्या का बदला लश्करी का एनकाउंटर करके लिया था। लश्करी जिस घर में छुपा था संदीप शर्मा भी उसी घर में था। संदीप शर्मा एनकाउंटर में जिंदा तो बच गया, लेकिन अब पुलिस के कब्जे में है। संदीप शर्मा के साथ कुलगाम के आतंकवादी मुनीब शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहाँ तक संदीप के गिरफ्तार होने का ताल्लुक है, इससे हमें इसे आई ओपनर। मुजफ्फरनगर में रहते हुए संदीप शर्मा ने वेल्डिंग का काम भी सीखा था। संदीप शर्मा गर्मियों में तो कश्मीरी घाटी में रहते हुए वेल्डिंग का काम करता था, सर्दियों में पंजाब के पटियाला चला जाता था। वेल्डिंग करते करते उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। एटीएम लूट में उसने महारत हासिल की और इसी काबिलियत ने उसे लश्कर में भी पैठ बनाने में मदद की। कश्मीर घाटी में आतंक के लिए पैसा जुटाने के लिए आतंकवादियों ने कई बार एटीएम लूटकर पैसे जमा किए।
संदीप शर्मा ने एटीएम के तरीके साथी आतंकवादियों को सिखाए। लश्कर आतंकवादियों के लिए एटीएम लूट का गुरु था संदीप शर्मा। ये बंदा सिर्फ एटीएम लूटिंग में मुलविस नहीं था, बल्कि ये एक्टिव मिलिटेंट एक्शंस में इन्वॉल्व था। संदीप शर्मा मुजफ्फरनगर से पंजाब के रास्ते कश्मीर घाटी में गया। पंजाब में उसकी मुलाकात शाहिद अहमद नाम के आतंकवादी से हुई, जो लश्कर के लिए काम कर रहा था। शाहिद अहमद कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है, लेकिन रोजगार के नाम पर पंजाब में रहता था। इसी साल जनवरी में संदीप शर्मा तीन और साथियों मुनीफ शाह, शाहिद अहमद और मुजफ्फर अहमद के साथ कुलगाम में आ गया था। चारों किराए के मकान में रहते थे और बैंक के एटीएम लूटा करते थे, पैसे आपस में बांट लेते थे। इसी दौरान इन सबकी मुलाकात सोपोर के लश्कर के आतंकवादी शकूर अहमद से हुई। यहां से लश्कर के साथ आतंक का सफर शुरू हुआ। पाकिस्तान में आईएसआई के संरक्षण में भारत में आतंक का एक्सपोर्ट करने वाले लश्कर ए तैयबा में संदीप शर्मा नाम के आतंकी मौजूदगी ने भारत में लश्कर की बड़ी साजिश का बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर में आतंक की साजिश में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक, पहली बार लश्कर जैसे आतंकवादी संगठन में कोई हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया है। दो, 28 साल में पहली बार कोई गैर कश्मीरी आतंक के आरोप में पकड़ा गया है। तीन, लश्कर जैसे संगठन गैर कश्मीरी लड़कों को भी भर्ती कर रहा है। चार, छोटे मोटे अपराधियों को भी लश्कर अपना शिकार बना रहा है। इससे ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ कश्मीर के ही लोग मुलविस नहीं है, बाहर से भी लोगों की ये सो कॉल्ड जो जहादी तंजीमें हैं, जो बाद में क्रिमिनल्स का भी सहारा ले रहे हैं। तो ये थे आईजी कश्मीर, जिनका ये कहना है कि इस केस की तफ्तीश हो रही है और हर पहलू पे जांच हो रही है कि क्या संदीप अकेला था या कुछ और लोग भी हैं, जो कि लाखों की संख्या में मजदूरी करने के लिए बाकी देश से कश्मीर आते हैं। अब उन पर भी नजर रखी जाएगी। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ श्रीनगर। ये है ABP News, आपको रखे आगे।